आज की कविता का शीर्षक है एक। वो अपनी नमाज पढ़कर मेरी होली देखने आता है। वो अपनी नमाज पढ़कर मेरी होली देखने आता है, फिर मेरे हाथों अपने गालों पर जमकर गुलाल लगवाता है। वो अपनी ईद पर मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। वो अपनी ईद पर मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, फिर मेरी दिवाली पर आकर हर शमा रोशन कर जाता है। वो अपने वजू के लिए मुझसे गंगा जल ले जाता है। वो अपने वजू के लिए मुझसे गंगा जल ले जाता है। अगर उसके उर्दू गजलों का शौक है मुझे, तो उसे भी तो हिंदी का गीत भाता है। अब चाहे मस्जिद का आजान हो या मंदिर की आरती, अब चाहे मस्जिद का आजान हो या मंदिर की आरती, क्या फर्क पड़ता है? आखिर एक ही किताब घर के गीता और कुरान से हमारा नाता है। पर अब भी नफरत फैलाने वालों को कैसे समझाऊं कि वहां जहर फैलाकर तुम्हें क्या मिलता है, जहां हर बार अस्सलाम वालेकुम का जवाब जय श्री राम आता है, जहां से अस्सलाम वालेकुम का जवाब हर बार जय श्री राम आता है। धन्यवाद।